उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उन्होंने समय दिया था कि नहीं हमारे आवास पर यहाँ के पूछिए, और जब सदन चलता है तभी समय देते हैं ताकि लोगों से एक सहानुभूति प्राप्त कर सके कि देखिए सदन चल रहा है, हमारे आवास पर सीबीआई के छापा पड़ रहा है। विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्षी दलों पर हमलावर है। और साफ साफ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि विपक्षी दलों द्वारा जो पत्र लिखा गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना कहीं से भी उचित नहीं है, वो निष्पक्ष हैं और अपनी काम ईमानदारी से करते हैं। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, नौ विपक्षी दल के लोगों ने संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाया और आपत्ति जताया जो कतई उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार के विरोध में जब संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेवारी का निर्वाहन करता है, काम करती है राष्ट्र के हित में, तो लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, इसका विरोध कतई नहीं करना चाहिए। और जो विरोध करने वाले लोग हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और अपने भ्रष्टाचार के भय से अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर अपने बचाव के लिए वो रास्ता और आधार तलाश रहे हैं। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया थी, उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उन्होंने समय दिया था कि नहीं हमारे आवास पर यहाँ के पूछिए, और जब सदन चलता है तभी समय देते हैं ताकि लोगों से एक सहानुभूति प्राप्त कर सके कि देखिए सदन चल रहा है, हमारे आवास पर सीबीआई के छापा पड़ रहा है। जबकि ये कि जो संवैधानिक संस्था की जांच एजेंसी की अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये एक कार्य था पूछताछ का, लेकिन ये लोगों को वरगलाने के लिए, संवैधानिक संस्था के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए और इसकी विश्वसनीयता को घटाने का, इनकी नकारात्मक मानसिकता कहीं न कहीं इनको कटघरे में खड़ा करता है। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने पत्र लिखा है वो खुद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसी वजह से उन्हें जांच एजेंसियों के काम पर दिक्कतें हो रही हैं और वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का बिल्कुल भी जांच एजेंसियों के कामों में हस्तक्षेप नहीं होता है, और जहां भी जांच एजेंसियों को लगता है कि गलत हो रहा है वहां वो जांच करती हैं। लेकिन फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच एजेंसियों के खिलाफ पत्र लिखना ये साफ जाहिर करता है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के पक्ष में है, इसीलिए उन्हें जांच एजेंसियों की जांच से डर लगता है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एचडी न्यूज पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।